वजीर आजम ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 15 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में रह जाने वाली 6 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। विफाकी वजरा अपनी अपनी वजारत से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पहले मरहले में 26 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया था। मजीद जानते हैं, अपने नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट, कौन कौन सी वजारतें 15 दिसंबर को अपनी कारकर्दगी का जायजा जो है वजीर आजम को पेश करेंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में एक बार फिर खसूसी जो काबीना का इजलास है उसे बुला लिया गया है। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म जो है 15 दिसंबर को वज़ीर आज़म जो बाकी रह जाने वाली वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म ने पहले 26 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया, 9 घंटे की मुसलसल बैठक रही और उसके बाद जो वजारतें रह गई थी उनके लिए नेक्स्ट का टाइम दिया गया था। और अब 15 दिसंबर को ये इजलास दोबारा बुलाया गया है जिसमें तकरीबन 7 के करीब और वजारतें हैं जो अपनी कारकर्दगी का वजीर आजम के सामने उनको ब्रीफिंग देंगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी और आइंदा के लाहे अमल भी वजीर आजम को आगाह करेंगी। इनमें जो अहम मिनिस्ट्री रह गई थी वो अब्दुल रजाक दाऊद की जो हेड कर रहे हैं वजारत तजारत, उनकी मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग रह गई थी क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो वो भी इन 7 में शामिल है। वो भी यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं, हफ्ते वाले दिन वो भी इस अपनी मिनिस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है उसको वजीर आजम इमरान खान के सामने रखेंगे। जी, 15 दिसंबर को इजलास तलब किया गया है। उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।